तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्लिपकार्ट ऐप में अपना ऑर्डर कैसे कैंसिल कर सकते हो। मान लीजिए कोई मेडिसिन आपने ऑर्डर कर लिया या किसी कारणवश आप डिलीवरी नहीं ले सकते हो या आपको कोई दूसरा कारण है आप जिससे कि आप मतलब वो ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लिपकार्ट हेल्थ ऐप ओपन करना है आपको, माई अकाउंट में जाना है, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल माई ऑर्डर पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर ऑर्डर कन्फर्म पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आप ऑर्डर माने मतलब आप जो भी ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हो ऑर्डर कंफर्म पे उस पर क्लिक कर दो। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है रिक्वेस्ट कैंसिलेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न ये कैंसिलेशन पे आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि क्यों आप इसे कैंसिल करना चाहते हो इस ऑर्डर को। तो आप बता दो कि क्या कारण है कि आप इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो। तो मैं रीज़न यहाँ पर दे सकता हूँ, कोई भी आप रीज़न जो भी आप रीज़न है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर जो आपको कोई रीज़न यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप सबमिट फॉर कलेक्ट मतलब कैंसिलेशन पे क्लिक कर देना है। तो मैं एक रीज़न सेलेक्ट कर लूँ तो मान लीजिए ये मतलब कुछ ज़्यादा ही दिन के बाद यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है 14 जुलाई को, तो मैं जल्द चाहता हूँ तो सबमिट फॉर कैंसिलेशन पे क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है हमारा। तो ऐसे आप करके आसानी से फ्लिपकार्ट हेल्थ ऐप से अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया।